आज तमाम राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके इस राज्य के जितने राजनीतिक पार्टियां सारी राजनीतिक पार्टियां एक साथ महामहिम के दरबार में गुहार लगाने आई थी। मुख्यमंत्री जी उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। हम सबों ने एक ही आग्रह किया कि भाई आपने देखा कि जिस तरह से झारखंड के नौजवानों को हक और अधिकार देने के लिए जो नियोजन नीति लाई थी, भागीदारी देने के लिए नियोजन नीति लाई थी, दुर्भाग्य से वह हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। और खारिज कराने वाले लोगों में से 20 लोगों में से 19 लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं, एक लोग दुर्भाग्य से झारखंड के भी हैं। हम भाई इसे पुख्ता करना चाहते हैं और उसके लिए 1932 के खतियान के कानून को लाया, उनसे आग्रह किया गया है कि आप जल्दी इसे भारत सरकार के पास भेजें ताकि सुरक्षा कवच मिल सके, 9वीं सूची का पार्ट बन सके। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले हमें यह मिला है, अध्ययन करके मैं जल्दी ही उसे भेजने का प्रयास करूंगा। और दूसरा पार्ट ओबीसी के 27% आरक्षण का था, उन्होंने कहा यह भी मुझे मिला है, जल्दी इसे भेजने का प्रयास करेंगे। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज जो यहाँ के लोग हताश और निराश हैं नौजवान, हम जल्दी ही उसकी वैकल्पिक व्यवस्था निकाल करके उनकी जो परीक्षाएँ रद्द हुई है उन परीक्षाओं को भी जल्द ही हम कराने का प्रयास करेंगे और उन्हें हक और अधिकार देने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज जो मुझे पता चला है जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रतिनिधिमंडल माने से इनकार किया, 2 पन्ने का लेटर लिख के दिया है, हमें लगता है कि ऐसे विकट समय में जब यहाँ जंग चल रहा हो हक और हुकूक का, झारखंडी नौजवानों के हक और अधिकार देने का, सबको एक होना चाहिए, इसमें डिफरेंस नहीं दिखना चाहिए। जिस प्रकार देश में कोई संकट आता है तो सारे दल एक साथ खड़े होते हैं, हमें लगता है कि झारखंड के तमाम दलों को एक साथ आना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी से पुनः आग्रह करूंगा कि आज जो आपने भूल किए इसे सुधारिए, कल से फिर मेरे साथ खड़े हुए सरकार के साथ खड़े होंगे। थैंक यू।